सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। और अभी देख लीजिए विकास बम और कितनी आनंद आ रही है गाइज। अगर आपको भी कभी जीवन में टाइम मिले तो एक बार बैद्यनाथ धाम की यात्रा जरूर करें। और बैद्यनाथ धाम की यात्रा अगर आपसे हो सके गाइज तो पैदल आप कांवड़ लेके चल के देखें, इतनी आनंद आएगी आपको और भोले बाबा की भक्ति में आप सराबोर हो जाएंगे। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, जिलेबिया आगे मिलेगा और कुमरसार नदी मिलेगी और मनिया मोड़ कुमरसार होते हुए अभी आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए। और सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तरोताजा होके ताजगी से चल रहे हैं। कल रात में गाइस विकास को काफी नींद लगने लगा था और विकास बम बोले थोड़ा हम लोग सो लेते हैं, फिर हम लोग गाइस वहां पे सोए थोड़ा और सोने के बाद आराम से वहां से फिर अभी नई सुबह के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बोल और निकल गए। बोल बम विकास बम हर हर महादेव। और गाइस जहां तक आपकी नजर जाएगी कंवरिया ही कंवरिया आपको दिखेगी, सारे कंवरिया भाई देखिए किस तरह से जा रहे हैं। और अपनी यात्रा को सुबह सुबह नहाने धोने के बाद सारे कंवरिया आगे बढ़ते हुए देखिए। और इन लोग सारे कंवरिया अभी देवघर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम और अराउंड आज पहुंच जाए कितने कंवरिया, नहीं तो कल भी जल चढ़ाएंगे और हमारे भोले बाबा को डेली जल अर्पित किया जाता है सावन के महीने में। और सावन का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और देखिए कंवरिया भाई माता बम बहना बम कैसे आगे जा रहे हैं। और इस तरफ में गाइस देखिए दो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से 5 बजे से दौड़ ही रहे हैं। गाइस देखिए सामने आपको कुछ होटल दिख रहे हैं, रही होगी, आप अगर फल खा के जाना चाहते हैं तो आप फल खा के भी जा सकते हैं, फल की भी इस रास्ते पर उत्तम व्यवस्था है। या अगर आप खाना खा के जाना चाहते हैं तो रोटी चावल सारा कुछ खा सकते हैं जो कि आपको इस रास्ते पे अभी भेज बिरयानी मिलेगी। और इसमें आपको ना लहसुन प्याज कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना हमारे भोले बाबा के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और गाइस अभी हम मैं और विकास अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और हमारे वीडियो में आप बने रहे और आपको दिखाता हूँ गाइस जब पहुँचता हूँ देवघर। देवघर पहुँचने के बाद आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाऊंगा और आगे कुमरसार नदी, गोड़ियाड़ी नदी, भूतबंगला ये सारे रास्ते को पार करते हुए दर्शनिया मोड़ के बाद बाबा धाम। ठीक हमारे सामने देखिए बम सब बैठे हुए हैं। बोल बम
ना हो। सो गाइस, अभी मैं और विकास कुमारसार पहुंच चुका हूं और थोड़ी देर बाद कुमारसार नदी आएगी और नदी में भी आप लोगों को वहां कुछ दिखाएंगे, किस तरह का नदी है क्या है। और अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा हूं जो कि यहां पे आलू केला और दूध में मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद फलहारी जिलेबी बनाया जाता है, जो कि जिलेबी देखिए अभी आ रहा है, हम लोग मंगाए हैं। और जिलेबी खा के, जैसे कि इन लोग कहते हैं एक जिलेबी में 5 किलोमीटर, तो एक जिलेबी खाता हूँ उसके बाद 5 किलोमीटर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। फलहारी जिलेबी खा के 5 किलोमीटर चला जाएगा। अच्छा, एक ही बार बाबा धाम। और थोड़ी देर बाद कुमारसार नदी आएगी और नदी में भी आप लोगों को वहाँ कुछ दिखाएंगे, किस तरह का नदी है क्या है। सो गाइस, देखिए हमारा आलू और केला का फलहारी जिलेबी आ चुका है और जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं हमारे ठीक सामने जिलेबी रखा हुआ है। अभी मैं और विकास जिलेबी खाता हूँ और खाने के बाद फिर 5 किलोमीटर, जैसे कि इन लोग दावा कर रहे हैं एक जिलेबी में 5 किलोमीटर, अगर आप 10 खा लेते हो तो 50 किलोमीटर आप चले जाओगे, एनर्जी आ जाएगी आपकी शरीर में। इसमें आलू केला और दूध मिला के मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद इन लोगों ने बनाया है। देखिए जैसे कि कुमारसार और 500 मीटर बची है और ये देखिए कुमारसार, और इस तरफ में दूरी चाट लगी हुई है जो कि आप देख लीजिए। अभी यहाँ से गाइस देवघर और 62 किलोमीटर। और इस तरफ देखिए नहाने की उत्तम व्यवस्था की गई है, आप यहाँ खाना खाने के बाद आप नहा सकते हैं या बाथरूम वगैरह जाएंगे उसके बाद आप नहाएंगे। और इधर एक बम थक के सो गए। और हम लोग जैसे कि गाइस कुमारसार पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद देखिएगा कुमारसार नदी पार करेंगे। जैसे कि गाइस अभी हम और विकास कुमारसार पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद कुमारसार नदी आएगी जो कि आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी कुमारसार नदी पहुंच चुके हैं। गाइस देखिए अभी मैं और विकास नदी पार कर रहा हूँ और ये कुमारसार नदी पार करते हुए अपनी यात्रा को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए। देखिए कितने सारे बम हैं। जय, नहीं इधर से जाना सर। बोल बम। ठंडा है। बोल बम। और गाइस देखिए नदी में कितने पानी है, देख लीजिए। और इस तरफ में फोटो भी आप ले सकते हो। इधर देखिए बाबा फोटो ले रहे हैं अपना, बाबा को अभी सजाया जा रहा है। तो लेंगे इसी जगह में आपको फोटो निकाल के देखी दी जाएगी। और देखिए नदी के बीच में ही ठेला लगा दिए हैं, इधर चौकी डाल के बैठे हुए हैं। गाइस देखिए अभी हम लोग जिलेबिया पहुंचने वाले हैं और जिलेबिया अराउंड 6 किलोमीटर और बची है। और यहाँ से 10 पसिया धर्मशाला, 10 पसिया धर्मशाला 4 किलोमीटर और जिलेबिया की दूरी 6 किलोमीटर बची है। और हम लोग गाइस आगे बढ़ते हुए और आपको दिखा रहा हूँ, गाइस धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जमीन थोड़ी गर्म हो गई है, चलने में दिक्कत हो रही है। आपको दिखा रहा हूँ धूप कितनी ज़्यादा है, गाइस जैसे कि देख लीजिए दिखा रहा है, काफ़ी धूप निकल चुकी है जिस वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है धूप के कारण।
और हमारे आगे भी बम देखिए आप गाइस, जैसे कि देख लीजिए ये बोर्ड में लिखा भी है और ये देखिए ये जिलेबिया मोड़ की जिलेबिया मोड़ से अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और इस तरफ में देखिए पहाड़ वगैरह है और ये नीचे टनल बनाया हुआ है, टनल से हम लोग नीचे निकल जाएंगे। बोल बम। जिसे जाएगी अगर बस से जानी है वो ऊपर से चले जाएंगे और जो पैदल यात्रा करेंगे ये नीचे से चले जाएंगे टनल से और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। बोल बम।